मैडम गाओ ना प्लीज, ऐसे मत करो, प्लीज गा दीजिए। हाँ एक और बारी, 1 2 3 गो। कहे अब हम आपके लिए ताली बजा देते हैं यार, धन्यवाद गाने के लिए। हाँ अब इसको साथ में गाते हैं, 1 2 3 गो। कहे कबीर सुनो भाई सारो, अलग अलग दुनिया से जब लोग हम जुड़ जाते हैं उसका कुछ खास बात है। जिंदगी एक म्यूजिक की तरह अगर हो जाता है, क्योंकि संगीत को हम जितना भी हम बाउंड्रीज में उसको हम प्लेस करें कि ये शास्त्रीय संगीत है, ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये फिल्मी गाना है, ये फोक है, लोक शैली लोकगीत है, ऐसा जितना भी हम बाउंड्रीज हम ब्रेक करते करते जाएंगे, लेकिन एंड में सब एक साथ हो जाता है। कबीर साहब यही कहते हैं कि जितना भी दुनिया में हम ने भी अलग अलग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग भगवान को पूज सकते हैं, अल्टीमेटली हम एक ही है। I am from Manipur. Namaste. Mera naam Raman Iyer hai. Hello everybody. I am Mukund Ramaswamy. Namaste. Mera naam Vivek Solanki hai. मैं सिर्फ कबीर गाता हूँ, कबीर के जो भजन है दोहे हैं उनको गाता हूँ। मैंने सातवीं कक्षा में दोहे पढ़े थे तो उसमें दोहे आते थे कबीर के, कल करे सो आज करे सो आप पल में पर ले आए कि बहुरी करेगा का, इसका हमें अर्थ बताना पड़ता था। तो हम लोग कबीर के जो वो भजन है उसको हम लोग गाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ग्रुप का नाम है कबीर कैफे। और तो थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा कि संगीत तो बाद में आया मेरी जिंदगी में। जब मैं पढ़ाई से अपनी शुरुआत करता हूँ तो मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था और मैंने 12वीं क्लास तक अपना पढ़ाई का कंप्लीट किया। और उसी बीच में मैं एक संस्था थी एनजीओ जिसका नाम था मंजिल, जो दिल्ली में है, मैंने उधर जाके एडमिशन ले लिया। तो वो बेसिकली क्या होता था, स्कूल के बाद आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे मैं अलग अलग क्लासेस देखता था, म्यूज़िक की, डांस की, थिएटर की, तो सब क्लास में मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन म्यूज़िक जो रहा वो मेरे साथ जुड़ा रहा। और ये जो गिटार जो मेरे पास है, ये गिटार जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने पहली बार रियल में वहीं पर ही देखा था। तो और मैंने जब इसको हाथ में लिया और मैं इसको ऐसे स्ट्रम करने लगा और खुद ही से ही समझ के लोगों को देख देख के अपने हिसाब से इसको बजाने लगा, क्योंकि मुझे लगता है संगीत ऐसा है कि वो आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपना म्यूज़िक भी बना सकते हैं। तो मैं अपने स्टाइल में गिटार को बजाने लगा, अपनी तरह से इसको उसमें गुनगुनाने लगा और इस तरह मेरी म्यूज़िक की जर्नी चालू हुई कबीर कैफे नाम से। और जो ये सब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है बट हम इसमें अपने भारत की संस्कृति को दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। और आगे भी मेरे दोस्त आएंगे जो अपनी कहानियां बताएंगे कि उनकी शुरुआत कैसे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया
हम सिर्फ कबीर गाते हैं और कोशिश करते हैं कि कबीर की सोच को लोगों के दिलों तक पहुंचा सकें। पिछले 7 साल से हम लोग इस बैंड में हैं एंड इसके पहले मैं एडवर्टाइजिंग यू नो टेलीविजन में टीवी में जब आप लोग एड देखते हो तो उसमें काम करता था और फिर लगा कि म्यूजिक को अपनी जिंदगी बना देना चाहिए और कबीर साहब खास करके जो आपके टेक्स्ट बुक्स में आते हैं दोहों के रूप में सो कबीर के जो थॉट है उनके जो विचार है वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और उसको म्यूजिक के दौरान प्रेजेंट करने को अपॉर्चुनिटी जब मिला तो मुझे लगा कि इसको पूरी तरह कर देना चाहिए। सुनता नहीं धुन की खबर अन हद का बाजा बाजता। इसको हमारे जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक है इसको हम कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन म्यूजिक। फ्यूजन का मतलब है कि जब अलग अलग दुनिया अलग अलग चीजें मिलके एक आउटपुट निकलता है, एक चीज जब बाहर निकलती है एक साथ मिलके, तो एक ऐसा अगर आप देखें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंडोलिन जो है ये ग्रीस से शुरू हुआ था एज अ लूट, इसको कहते हैं लूट कहते थे पहले, बाद में वो ग्रीस से गया अपना पर्शिया अरेबियन स्टाइल में, इसको पहले ऊद नाम के एक इंस्ट्रूमेंट वो हुआ करता था। तो कुछ इस तरह के म्यूजिक आपको बोलते कि इसको फ्रिजियन मोड करके कहते हैं, एक जगह थी फ्रिजिया लिबिया के साइड में, तो ये आपको बहुत सुना सुना हुआ लगेगा अगर इस टाइम में अगर आप इसको सुन रहे हो। कबीर कैफे सिंग्स अ टाइमलेस फिलोसफी ऑफ द 15th सेंचुरी पोएट कबीर। वी इम्प्रोवाइज एंड रिक्रिएट द भजन्स व्हिच हैज बीन संग बाय द लेजेंडरी फोक सिंगर्स लाइक Padmashree, Prahlad Singh Tipaniya, Mukhtiyar Ali Ji, Murlal Ji, and many more, you know. And we try to recreate and improvise into contemporary style and in different styles of genres. I come from a musical family and I'm a self-taught musician. So I started learning music since my childhood by listening to my dad, sharing his past music experiences, listening to my brothers play the instruments and listening to different types of music which my brothers have introduced me and in different genres. Guitar was my first instrument. And as I grew up, I enhanced my musical skills while I was in high school in Nagaland, Kohima, where I got this opportunity to practice not only guitar but other instruments like keyboard, bass and drums. So during those years of teaching, I met many other professional musicians and I started playing with local bands and started touring with some national artists since 2011 as a bass player. So later on in the mid-2014, I shifted to Mumbai to pursue this musical career, professional musical career full time, because I don't want to do the job, you know, and do the music at the same time. I want to do this full time by performing full time. That's how I shifted in 2014 to Mumbai. And towards the end of the year, while I was in search of a band, I met this amazing band called Neeraj Arya's Kabir Cafe. And I'm the bassist of the band since then till now. When I was very young, jab main 4 saal ka tha, that time my parents took me to a trip to Chennai. वहाँ पर मैंने अपना एक दूर का कज़िन को देखा था वायलिन बजाते हुए एंड इंस्टेंटली आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू लर्न दिस इंस्ट्रूमेंट एंड माई फादर इनिशियली गेव मी अ टॉय वायलिन एंड आई क्राइड आई सेड नो आई डोंट वॉन्ट द टॉय वायलिन आई वॉन्ट द रियल वन देन ही टुक मी टू अ टीचर इन आर कॉलोनी एन कर्णन कर्णन सर करके हमारे टीचर थे और इनिशियली जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत छोटा है बस 4 साल का है आप 2 साल और होने दीजिए जब ये 6 साल का हो जाएगा तब आप इनको लेकर आइए हमारे पास और मैं उनको सिखाऊंगा लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू लर्न द वायलिन तो मैं एकदम घर पे जिद कर रहा था
तो फाइनली 6 मंथ्स के बाद मेरे फादर अगेन मुझे लेकर सर के पास गए और बोले कि यार ये बंदा सुन नहीं रहा है, तो इसलिए आप प्लीज़ उनको सिखाइए। तो माय मदर, मेरी माँ मेरे साथ वायलिन सीखती थी और मेरा बहुत छोटा सा एक वायलिन था जिसको हाफ साइज वायलिन या बेबी वायलिन कहते हैं, उससे मैंने स्टार्ट करा था। और मेरी मम्मी और मैं साथ में क्लास जाया करते थे। मेरी मम्मी इसलिए सीखती थी ताकि वो मेरे को सिखा सकें। बहुत मार भी पड़ती थी कि घर पे आके प्रैक्टिस करना पड़ता था और मैं बहुत शरारती था। और स्टार्ट करते करते थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करते गए, सब अच्छे से बजाते हुए। और नोटेशंस जो है कर्नाटिक म्यूजिक में आपको एकदम इंग्लिश में रहता था, एस मतलब सा, आर मतलब री, जी मतलब गा, एम मतलब मा, उस तरह होता है, पी मतलब पा, डी मतलब दा, एन मतलब नी और अगेन सा, तो सा टू सा, उस तरह से होता। तो नोटेशन पढ़ना सीखा, किस तरह गाना बजाना ये सीखा। और उस तरह करते करते थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ते गया। मेरे बारे में मैं बताऊँ तो मैं आपको बताया जैसे कि पहले मैं कबीर कैफे बैंड में मेरा जरा कबीर कैफे में ड्रम बजाता हूँ। सो मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी बहुत साल हो गया एक्चुअली। तो मैं मेरे भाई के थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी मुंबई में, और यही इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास जैम में जहाँ मैंने उनसे पहला गाना सुना था, क्योंकि सभी ने कबीर को सुना है क्योंकि मैं आता हूँ कबीरपंथी बैकग्राउंड से। सो मेरा जो बैकग्राउंड है वो कबीरपंथी बैकग्राउंड है, तो कबीर के वजन चलते आए बचपन से। बट वही एक टिपिकल वो रहता है हारमोनियम पे या फिर तबला ढोलक पे चलता है, बट गिटार पे कुछ यूनिक होता है। तो मैंने उनसे सुना नीरज जी से, तो गिटार पे गा रहे कभी, तो यही जैम पे था मेरे पास। तो वहाँ एक गाना हुआ था हल्के गाड़ी, जहाँ हमने जैम किया था साथ में, इस तरह में जुड़ा और पूरे बैंड से जुड़ा। फिर रमन जी, मोहन जी, सब लोग जुड़े थे। फिर इस तरह जो बात, क्योंकि मेरे जो फैमिली है कबीरपंथी के साथ साथ म्यूजिकल फैमिली भी है। मेरे पिताजी है जो भजन गाते हैं, गुजराती फोक सिंगर है, तो मुझे कहीं ना कहीं फोक का नॉलेज वहाँ से आता है, कहीं ना कहीं फोक का उनसे बैठ के थोड़ा बहुत मैंने सीखा। मेरे अंकल जो बॉलीवुड में असिस्ट करते थे, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं म्यूजिकली थोड़ा बहुत ज्ञान आता है। So that's how it started and that's how we make music. It's lovely when a lot of people come, there are a lot of ideas. Yes, जब ideas आते हैं तो miss तो arguments भी होता है, because बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि किसी का idea अच्छा उनको सही लगेगा, आपको शायद सही नहीं लगे, तो arguments होते हैं। But जो भी है healthy होता है, because the thing is the goal or the vision of everybody is to make sure that we progress as a band, or you know अगर कोई गाने में argument हुआ तो vision ये है कि यार गाना अच्छा होना चाहिए, उनके हिसाब से कुछ करने से अच्छा होगा, आपके हिसाब से कुछ और करने से गाना अच्छा होगा। बट जब तक आपका गोल एक ही है कि आपको एक ही चीज पे आप काम कर रहे हो, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स को नॉर्मल डिस्कशन से डेफिनेटली सॉल्व किया जाता है। एंड विद द बैंड वी ऑल डू म्यूजिक फुल टाइम, यू नो वी डोंट वर्क, वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, बैंड इज द ओनली थिंग वी परफॉर्म विद द बैंड, दैट्स आवर फुल टाइम थिंग। एंड वी हैव कम अप विद अ कंपनी, कंपनी फॉर्म करने के बाद काफ़ी कुछ लीगैलिटीज समझना जरूरी था, वो सब हमने किया, टैक्स स्ट्रक्चर समझना जरूरी था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क अस, वाओ लवली यू आर अ पार्ट ऑफ अ बैंड, यू नो इवन वी वांट टू जॉइन। सी द थिंग इज, इट्स ग्रेट टू बी अ म्यूजिशियन, इट्स ग्रेट व्हेन यू फॉलो योर पैशन, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज टू। यू नो वी डोंट हैव अ सेट इनकम विच इज गुड एंड ऑल्सो हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज जैसे आप जॉब में जाते हो हर एक स्टार्टिंग मंथ का स्टार्ट में आपको आपका सैलरी मिल जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए आपका पैशन एकदम स्ट्रांग होता है होना चाहिए, एंड दैट वे द टीम आल्सो हेल्प्स, बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर, टुगेदर यू फेस चैलेंजेस, टुगेदर यू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एज वेल। सो दैट्स हाउ वी वर्क एज कबीर कैफे। इंसान के नहीं राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आगे के आगे, हो खड़ा रे कबीर पहने अपनी गरीबी, सीना धोके झाड़ता है अपनी फकीरी, दुनिया का भय नहीं बोले सच्ची बोली रे, छीने का कोई इससे खाली उसकी झोली रे, बड़ी ताकत है गरीबी में। और इस ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, मैं गाता हूँ, और दूसरा ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है
इसको गिटार कहते हैं, ये बजाता हूँ। इसमें होती हैं 6 तारे और इसको आप किसी भी तरीके से बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, या आप इसको ऐसे स्ट्रम भी कर सकते हैं। तो इसकी जो 6 तारे होती हैं इनका एक सुर बनता है और वो ट्यूनिंग से होता है, ये जो आपने देखे इनको घुमा घुमा के ट्यून होता है। तो मैं थोड़ा सा गाऊंगा, बताऊंगा कि गाना हम कैसे करते हैं। तो भजन था एक, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। तो ये भजन जो था हमने सुना था वो पहलाज सिंह टिपानिया जी के मुंह से, जो मध्य प्रदेश में हमारे गुरु जी, तो उनसे हमने ये भजन सुना और फिर हमने क्या किया कि इसको अपने इसके साथ उतारा। क्योंकि भजन मतलब यूजुअली क्या होता था, हम ढोलक और हारमोनियम में सुनते थे, तो इसको हमने इस भजन को इसमें हमने बढ़ाने की कोशिश की। तो पहले मैं थोड़ा सा गिटार बजा देता हूँ। तो ये बजाया मैंने गिटार, अब इसके साथ मेरे को अपनी आवाज मैच करनी। तो मैं पहले बता दूं, जो मैं सिंगर मैं अपने आप को बोलता हूं, तो मतलब मैंने सीखा नहीं है, मैं थिएटर में गाने गाता था ऐसे पीछे पीछे, तो मेरा आवाज बहुत लाउड हो जाता है। तो मैंने उसमें थिएटर में क्या सीखा कि गाना जब गाता है ना कोई भी इंसान, एक तो वो दिल से आना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए, और दूसरा उसको स्टमक पेट से उसको जोर देके निकालना चाहिए आवाज को, तो ताकि क्या होता है कि उससे आप लंबे समय तक गा सकते हैं। जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा गाना है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो गला थक जाता है, तो यहां से प्रोजेक्ट होके वो इस यहां आके फिर यहां से हमको गाने पड़ते हैं। तो अब मैं गा के आपको बताऊंगा ये गाना। जरा हल्के गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले। तो ये हुआ मेरा गाना। तो ऐसी हम मेरे जो और साथी हैं जो आपसे आके मिलेंगे और वो अपने इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, और वो म्यूजिक कैसे बनाते हैं, इसमें कैसे वो अपनी कड़ी जोड़ते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने नीरज जी का सुना है कि म्यूजिक और संगीत और बैंड के बारे में आज की चर्चा होगी, डेफिनेटली गाना भी आप सुनेंगे, लेकिन इसके पहले गाना बनता कैसा है एज अ बैंड और ग्रुप। बैंड का मतलब होता है कि जो म्यूजिक है जो साथ में मिलके बना जाता है, कि एक एक इंडिविजुअल, हर एक के अंदर की जो इंडिविजुअलिटी है वो सब साथ मिलके कैसे जाता है, वो आज इस के एंड में आपको एक पूरा गाना जो हम नीरज आर्यास कबीर कैफे मिलके आपको सुनाएंगे। तो मैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ इसका नाम है मैंडोलिन, जो इटाली से इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं इसको इंडियन स्टाइल में प्ले करता हूँ। तो इसमें आप देखिए, इसमें 8 स्ट्रिंग होता है, लेकिन पेयर्स, देयर आर 2 पेयर्स, एक एक नोट का 2-2 स्ट्रिंग बन के 4 पेयर 8 तार होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट में कैसा कि जब दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ में बजते तो इसका कैसा लगेगा वो तो आप लास्ट में सुनेंगे। तो अकेले इसका धुन ट्यून इस तरह कुछ आता है, जिसमें आप ऊपर का तार, नीचे के तार, एक एक स्ट्रिंग का आप इस तरह का साउंड दे सकते हो। राइट हैंड पे जो है वो कंट्रोल इस पे आप इस तरह करेंगे, और लेफ्ट हैंड, अगर आप राइट हैंडर है तो, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो फिर उल्टा हो जाता है। मैं राइट हैंडर हूं तो मेरे राइट हैंड, इसको बोलते हैं प्लकिंग, और इसको बोलते हैं फिंगर्स, फिंगरिंग टेक्निक जैसे भी। तो इस फॉर्म ऑफ टेक्निक जो है जिसमें ऐसा वाला फीलिंग अगर आप देते हो, इसको बोलते हैं वाइब्रेटो या ट्रेमोलो फॉर्म ऑफ प्लेइंग करके बोलते हैं। तो मैंडोलिन को नीरज आर्यास कबीर कैफे में, जहाँ पे हमारे सारे साथियाँ जो है वो मिलके हम लोग आपको एक गाना प्रेजेंट करेंगे। तो जब साथ में हम म्यूजिक करते, एक एक को जब आप लोग जो देख रहे हैं कि टीम बना के, उसमें जितना आपको बजाना है कहाँ पे, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कहाँ नहीं बजाना है। कबीर के गाने खास करके जो हम आपको प्रेजेंट करेंगे, कबीर के दोहे जो आपके टेक्स्ट बुक्स में आया रहेगा, हमारा भी टेक्स्ट बुक्स में आया करता था, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसे दो दो लाइन के जो दोहे हैं, जो शब्द जो है, जब गाना की बात जब हम बात करते हैं, विच इज अ सॉन्ग विच हैज पोएट्री, जिसमें शब्द को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो म्यूजिक जो है इसके सपोर्टिवली बिल्ड होना है, कि लिरिक्स
शब्द आप तक क्लियरली पहुंचे। किस तरह के तो आप शब्द को पहुंचना चाहिए वो नीरज जी ने बताया कि जहां पे आपको पेट से गाना है, आवाज निकलनी है, इस टाइप को गायकी को बोलते हैं कि लोक शैली गायकी या फोक सिंगिंग जिसको थ्रो बोलते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके आवाज पहुंचानी चाहिए, आपके जो शब्द है उसकी ताकत लोगों तक पहुंचाने के लिए शब्द बहुत पावरफुली आना चाहिए। तो म्यूजिक जो हमारे स्टाइल की म्यूजिक है जो उसको सपोर्टिवली करते हैं कि जिसमें आप अलग अलग स्टाइल्स यूज करते हैं। भजन ट्रेडिशनल शैली में आप देख सकते हो कि इंडियन म्यूजिक को हम बोलते हैं कि मोनोक्रोमैटिक, तो जो एक सुर पकड़ के एक की में चलता है, एक हारमोनियम बजता है, ढोलक बजता है। इसमें हम वेस्टर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हारमोनी। तो जिस तरीके से गाना जाता है म्यूजिक उसके पीछे उसका हारमोनी, उसको अगर हम बोलते हैं कि इट इज द सेम मेलोडी प्लेड इन अ डिफरेंट की, दूसरा वही मेलोडी है, एक की समझते हो, समझो ये नोट है ई। अगर ई को अगर आप सा समझ के ऐसा करते हो ना, तो अगर मैं ये पकड़ता हूं दूसरा स्ट्रिंग, इसमें सारे गमा कैसे आता है, ऐसा आता है ना। अगर एक मेलोडी जो ई के स्केल में बजेगा, इसी को दूसरे की में ऐसा, तो ये अगर जब आपको इसको असर आपको पता चलेगा जब आप साथ में देखोगे कि जब पहला मेलोडी ऐसे गा रहा है, अब उसके पीछे बजता है उसका हार्मोनाइज्ड नोट्स, जब आप बजते हैं उस संगत के असर से संगीत डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपको एकदम सामने से एक्सेसराइज बन के म्यूजिक शब्द को एनहांस करके आएगा। तो जब भी आप एक टीम में काम करते हो म्यूजिक को, तो हमेशा अगर आप लिरिकल सॉन्ग्स परफॉर्म कर रहे हो शब्द को आगे रखिए। तो हर जगह मुझे भी बजाना है, मैं ये भी बजाऊंगा उसको ना रखे, कहाँ कहाँ आप उसको एनहांस कर सकते हो, अपने आप को रोक के अपने आप को कंट्रोल करके गायकी को और गायन को आगे बढ़ाना, ये एक अच्छा बैंड का इशारा होता है। आगे हमारे जो और साथी है, मुकुंद रामस्वामी है जो वायलिन बजाते हैं, वीरेन सोलंकी जो है जो पर्कशंस बजाते हैं, ब्रिटो केसी जो है वो अलग तरीके का बेस गिटार बजाएंगे, वे सब आपको अपना अपना इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अपने स्टाइल के बारे में बताएंगे और एंड में गाना देखेंगे। Well, I would like to demonstrate the instrument I'm holding with me right now. This is a bass guitar. So bass guitar is an electronic guitar. It has got different features in each guitar. This guitar has got 3 knobs which can control the volume, the tone, and it control the different pickups as well. Right? These are the pickups which can produce sound when you put a jack right here to the speaker. And the strings are much thicker than the rest of the acoustics and electric guitar. And you have the tuning pegs, which means you can tune your strings and play the right chords, right? So this instrument right here costed me about 70 to 80,000 Indian rupees. It's a little expensive. So for all those beginners, you don't need to go for this high budget instrument. You can start with a low budget instrument, which may range from about 10,000 and above. So you can take a lower price instrument, you can practice on it, and once you are good at it, and if you start to play, if you're starting to play on stage, and if you start having a band and started touring and all, you need a good sounding instrument. So that time you can upgrade your instrument and get a higher budget instrument. So you can buy the instrument depending on your need. And bass guitar plays a very important role in any music. It is used to give you the low frequencies in any music you create. So let me tell you, no matter how good your music is, if there's no bass guitar, I think the music is incomplete. You'll find it a little shallow, right? There's no low end. Let me also ask you, why do people dance to the music? It is because of the bass guitar and the low groove which is given in the music. That's what makes people dance, right? So let me just show you how it sounds and how it is played, right? Thank you.
Right? So this instrument, the bass guitar, is mostly an accompaniment, accompanying instrument. So when a rhythm guitar plays an acoustic guitar plays a chord, the bass guitar also will be taking the exact same chord which the guitarist is playing. And this is also used to accompany the percussions or the drums. Okay, when the drum kicks in, then the bass also follows with a note, low end. So both are low end. So when the kick gives, there's no sustain in the kick. So the bass guitar gives the sustain with the note in order to sound much better. So this is the bass guitar. Let me also tell you how I play the acoustic guitar in the band. I want to demonstrate you how that instrument is played. And let me explain to you a few things regarding the instrument. So here I am with the acoustic guitar. This is the acoustic guitar. It has got 6 strings and it's got much thinner strings and lighter strings than the bass guitar which I have played earlier, right? So this instrument, before I start playing, I want to tell you regarding the price. This costed me about 37,000 to 40,000 Indian rupees, and it's been about 7 years I've been using this guitar, and it's amazing. And it has got a pickup here. You can control the pickup from here. There's mic inside, and you can put the jack right in to the speaker to produce the sound and the PAs, right? So like I said earlier, for a bass guitar, you don't need to go for very high budget acoustic guitar if you are a beginner. And you can definitely go for a lower budget, which may cost you about from 5,000 and above, right? So you can learn that instrument first. Once you're good at it, you can upgrade your instrument anytime. So yeah, let me demonstrate a little bit of how this instrument is to be played, okay? So this is how it is played. Let me play it a little more for you guys. Those beginners, you can start some exercise like this, which is called chromatic exercise, which goes one fret after the other. It goes like this. Right? And on the right hand side, you can do down and up stroke together. I mean, one after the other. Speed it up. Okay, so that is the exercise, and once you learn that, you can go to learn some chords like this and get all the sounds out properly, right? And once you know those chords, you can start playing the rhythms. That is a simple rhythm. You can learn different styles of rhythm like this. घट घट में पंछी बोलते
sing once you learn the guitar and how to play, okay? तो जैसे कि मैंने आपको कहरवा ताल के बारे में जो बताया था, तो मैं भी वो ताल आपको बजा के बताता हूँ। स्लो टेम्पो में बजाऊंगा तो आप उसे अच्छे से देख सके, समझ सके। तो हाँ, स्लो टेम्पो में कहरवा। अभी जैम्बे के अंदर एक क्या चीज होती है, एक होता है इसका बाया, जो कि हर अगर आप इंस्ट्रूमेंट में अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट में देखोगे, तबला, ढोलक, पखावज, नाल, ढोलकी, हर एक चीज में, तो सब में एक बाया होता है, एक चाटी होती है जो शार्प बजती है। तो इसमें भी ये चाटी है, तो शार्प बजता है, और एक होता है जो बीच में बाया, जो बेस, इसका जो बेस। तो अभी मैं इसको थोड़ा टेम्पो अप करके आपको बताता हूँ ये कैसे साउंड करता है। तो इसके अंदर भी बहुत सी वेरिएशंस होती है, एक ही ताल में अलग अलग वेरिएशंस होती है, अलग अलग स्टाइल सब बजाते हैं इसके अंदर। तो आपको मैं कुछ कुछ वेरिएशंस बताऊंगा इसके अंदर। एक सिंपल पहले बजाता हूँ, फिर एक वेरिएशन बताओ। सिंपल था, भी इसके साथ आप कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वेरिएशन अपन कर सकते हैं, गाने के मूड के हिसाब से, गाने के स्विंग के हिसाब से अपन एक वेरिएशन बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं। और रही बात इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि मैंने आपको सब इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, दरबुका, जैम्बे और ड्रम्स, तो सब इंस्ट्रूमेंट का एक अपना कॉस्ट होता है। सो अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई बिगनर्स है, कोई किसे सीखने की चाह है कुछ इंस्ट्रूमेंट, सो हर एक चीज़ का तोड़ है। जैसे कि बिगनर्स अगर कोई चाहता है क्या, मतलब नए नए बेसिक्स जिसको सीखना है, बिगनर्स लेवल पर जो है जिसको कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए बिगनर्स जैम भी आता है, तबला सीख रहा है तो छोटे तबले भी आते हैं। अगर कोई बच्चा जो सीखना चाह रहा है तो सबका एक अपना अपना कॉस्ट है। और अगर बेसिक लोग हैं तो बेसिक का एक अपना कॉस्ट है, मिड लेवल का एक अपना कॉस्ट होता है, और एक फिर प्रोफेशनल लेवल पे आप बजा रहे हो तो उसका एक अपना कॉस्ट होता है। बिकॉज सब तीनों चारों चीज़ों में एक मनी वाइज डिफरेंस भी होता है, और एक साउंड क्वालिटी वाइज भी आपको डिफरेंस पता चलेगा। बिगनर्स से लेकर मिड प्रोफेशनल लेवल, सबका एक अपना अपना कॉस्ट होता है, सबका एक अपना अपना टोन लेवल होता है। तो हाँ, ये एक बात हो गई। और सेकेंड हैंड चीज़ भी, अगर आप सेकेंड हैंड इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल होता है। किसी को अगर किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दो तीन जैम्बे हैं किसी के पास, तो किसी को सेकेंड हैंड देना है वो भी आप ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। खाली इतना देखना है उसका वुड, उसकी रोप, स्किन सब कुछ बराबर है, साउंड क्वालिटी कैसी है, साउंड टोन कैसा है, ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बड़ी मायने रखती है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर ट्यूनिंग, तो दिस इज ए रोप ट्यूनिंग है, सो यू कैन ट्यून इट लाइक रोप से ट्यून होता है। फिर एक की वाला आता है जिससे आप उसको की से भी ट्यून कर सकते हो। तो सबका अपना अपना एक टोन है, अपना अपना ट्यूनिंग स्टाइल्स है सबका। यू कैन पुट इट ऑन सम की और वो की पे आप ट्यून कर सकते हो उसे, तो इस तरह से कर सकते हो। सो हर एक लोगों का बनाने का तरीका होता है अलग अलग। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज़ आप ले रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हो, तो आप उसमें पहले देखोगे वुड, हाउस द वुड, हाउस द स्किन, स्किन कैसी है, कहीं से फटी ना हो। अगर स्किन का जैसे ये टोन चाइल्ड का टोन हो गया, बाया का टोन हो गया, तो हर एक चीज़ मैटर करता है, वो कैसा है उसका। जैसे तबला के अंदर अपन देखते हैं चाटी, बाया उसका वुड कैसा है, कौन से वुड का बना है, फिर बाया जो टगा होता है तांबे का है, और अलग अलग टगे ऐसे आते हैं, तो वो सब चीज़ होती है। तो वो सबको ध्यान रखना चाहिए, लेने जाए तो सब चीज़ को ज़रूर देखें। और तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का एक अपना अपना ब्रांड होता है, हर ब्रांड उसे सेल करता है, एक अपना अपना अलग डिफरेंट साइज होती है। अरे जैसे जैम्बे में बिगनर्स लेवल एक छोटा जैम्बे आता है, फिर मिड लेवल आता है, फिर दिस इज अ बिगर साइज जैम्बे, ये बड़ा साइज का जैम्बे। तो सबके अंदर टोन का बहुत डिफरेंस होता है,
टोनल वाइज भी शार्पनेस का पॉइंट उसके साइज के हिसाब से वो भी फर्क होता है और ब्रांड का अपना अपना ब्रांड होता है हर एक चीज में। कोई कोई चीज होममेड मतलब लोग खुद बनाते हैं जैसे दिस इज प्रॉपर जैम्बे जो मतलब वुड से बनाई कोई। सो ये जैम्बे है ये तो प्रॉपर वुड जैम्बे है। सो या दैट्स इट। दिस इज द वायलिन। ये वायलिन होता है ठीक है इसमें चार स्ट्रिंग्स होते हैं ये वुड से बना हुआ जाता है एंड ये हॉलो होता है एकदम ये हॉलोनेस की वजह से इससे साउंड आता है। ये जो है ये ब्लैक कलर का इसको बोलते हैं फिंगर बोर्ड ओके एबनी मटेरियल का होता है और इसके ऊपर स्ट्रिंग्स होते हैं। ये जो है दिस वन इज कॉल्ड द ब्रिज इसको बोलते हैं एडजस्टर और ये है चिन रेस्ट। दिस इज द वायलिन और ये होते हैं मेन एडजस्टर ये होता है फाइन एडजस्टर्स ये होता है वायलिन। अभी वायलिन है जो है ना बहुत सारे कंपनीज के आते हैं। बेसिक बिगिनर वायलिन जो है आपको 3,000-4,000 से स्टार्ट होता है और दिस गोज ऑन टू लैक्स 2 लैक्स 10 लैक्स 15 लैक्स यू हैव दैट रेंज इज एंडलेस। दिस वन दैट आई एम प्लेइंग इज कॉल्ड इज अ जर्मन वायलिन एंड इट्स मेड आउट ऑफ वुड फ्रॉम जर्मनी सो इट्स काइंड ऑफ अ बेटर क्वालिटी इज वॉट दे से। इन इंडिया यू हैव द चेन्नई वायलिन्स यू हैव द कोलकाता वायलिन्स दैट्स बेसिकली इन इंडिया। सो व्हेन यू स्टार्ट the violin there are actually three basic structures of learning the violin the western classical the hindustani classical and the carnatic classical. I am carnatic classical trained so in the western classical the tuning is very different. You start with the thickest string is tuned to G scale the next one D scale the next one E scale and the last one the एकदम पतला वाला जो स्ट्रिंग है दैट इज इन ई स्केल सो जी डी ए ई में इनका दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ट्यूनिंग। इस तरह वेस्टर्न क्लासिकल में होता है। वेर एस जैसा मैंने आपको बताया था कर्नाटिक म्यूजिक में वी ट्यून टू स्केल तो ज़्यादा करके जब कर्नाटिक म्यूजिक में आप जब सोलो वायलिन परफॉर्म करते हो तो आपका स्केल होता है डी या ई तो उसको आप सा पा में करते हो जैसा कि ये मैंने ई स्केल में रखा है तानपुरा के मदद से ई स्केल में तो ये होता है ई सा फिर होता है बी प प फिर वापस ई सा देन प दैट्स हाउ इट इज यू नो आई एम सॉरी दैट स्केल इज टू हाई फॉर मी बट इट्स बेसिकली सा पा दैट्स हाउ वी स्टार्ट ठीक है। और पहला लेसन जो होता है इस आप हर एक स्ट्रिंग में सिर्फ बो जो होता है बो को ये हेयर जो है बो का इसे आपको हाथ नहीं लगाना है बिकॉज इसमें अगर ऑयल होगा तो फिर फ्रिक्शन के साथ काम नहीं करेगा। इसमें रोजिन लगता है रोजिन इज बेसिकली मेड आउट ऑफ द ट्री बार्क टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द बो एंड द वायलिन। सो यू स्टार्ट बाय जस्ट प्लेइंग सो यू स्टार्ट इन सच ए वे दैट व्हेन यू प्ले वन स्ट्रिंग यू डोंट टच द अदर स्ट्रिंग। जब आप एक स्ट्रिंग बजा रहे हो तो दूसरा स्ट्रिंग को बो लगना नहीं चाहिए सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बजना चाहिए ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होता है इसमें हम सा रे गा मा पा द नी सा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और अभी वायलिन में क्या होता है जैसा गिटार में अगर आप देखेंगे आपको फ्रेट्स होता है यहाँ पर देर आर फ्रेट्स वायलिन में देर आर नो फ्रेट्स एक कम्प्लीटली जजमेंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए लोग हैं जो खुद से सेल्फ टॉट वायलिन भी सीखते मतलब खुद से वायलिन सीखते हैं बट ज़्यादातर लोग किसी गुरु के पास जाते हैं बिकॉज ये प्लेसमेंट समझना और उसको परफेक्ट करना यू नीड सम गाइडेंस टू हेल्प यू डू इट फास्टर दैट इज हाउ इट इज बिकॉज क्या है एक बहुत ज़्यादा आपके हियरिंग एबिलिटी भी होता है और स्टार्टिंग में अपना सुनना इतना तेज नहीं होता इतना एफिशिएंट नहीं होता तो इसलिए उसको डेवलप करना पड़ता है जिसके लिए गुरु का जरूरत होता है। तो हम अभी बेसिक लेसन बजाएंगे जो है सा रे बेसिक लेसन उसके बाद कई सरगम यूज होता है जो वोकल में प्रैक्टिस की तरफ तरीके से भी यूज होता है और वायलिन में भी उसको फिंगर एफिशिएंसी फिंगर मूवमेंट एफिशिएंसी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो
जो राग में हर एक नोट होता है, मतलब सा से लेके नी तक हर जो नोट होता है, उसको कर्नाटिक स्कीम के हिसाब से मेलकर्ता रागम बुलाते हैं। और इस तरह 72 मेलकर्ता राग होता है। तो ये तो हम आपको आराम से बताएंगे, बट हर एक, तो दिस इज द वन आई एम प्लेइंग इज कॉल्ड रागा माया मालव गौला। द रागा इज कॉल्ड माया मालव गौला। इट वॉज इन्वेंटेड बाई पुरंदर दासा, who is known as the father of the Carnatic music, and this was done in the 15th century. So this is basics about violin. I hope आपको अच्छा लगा, and I hope इससे आपको कुछ सीखने भी मिला। Thank you so much. आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया मेरी जो छोटी सी कोशिश थी, आप लोग आप तक पहुँचा। Thank you so much. So all the best for those who are practicing, and I hope this video helps you to start picking up the guitar and start playing. And don't be afraid if you get it wrong. Keep practicing and you'll get it. Be an inspiration. Stay safe, take care. Bye. Hello bachcho, main aapko ek challenge de raha hu. Thoda research kijiye. Koi bhi Kabir ka doha lekar use apne dhun ke sath gaakar uska 2 minute ka video banakar आगे दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे पास भेज दीजिए। आशा करते हैं कि आप जो अपना पसंदीदा कबीर का दोहा अपने ही मजेदार धुन के साथ गाकर जो वीडियो बनाएंगे उसे हमारे पास जल्द ही पहुंचाएंगे। और एक और मजे की बात, 10 जो सबसे अच्छे वीडियो होंगे उसे हम एक वीडियो में कंपाइल करके मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय में प्रसारित किया जाएगा। मैं आपको एक और चैलेंज दे रहा हूँ, वो ये है कि कबीर ने इतिहास के भक्ति काल के समय अपना योगदान दिया था। आपको रिसर्च करना है और भक्ति काल के जो महान व्यक्ति थे उन पर एक राइट अप बनाकर आगे दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे पास आपको भेजना है। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। कैसे एक मध्य प्रदेश के लोक गीत एक पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक फ्यूजन के स्टाइल में आपके साथ एंड में कैसे दिखेगा, आप जरूर देखें। आप लोगों को मेरी कसम है, सब गाएंगे प्लीज। आप अगर आप हमसे प्यार करते हैं, आपको अगर अच्छा लगा, एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे लिए। हम ताली के भूखे रहते हैं क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं है, तो आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, वही ताकत देता है हमको गाने की। हम तो लाइन कुछ ऐसे है।